टीम इंडिया 8वीं बार एशिया कप को जीतने की तैयारी कर रही है। इस टूर्नामेंट के मैच जितने रोमांचक होते हैं उतने ही रोमांचक इस टूर्नामेंट के शुरू होने की कहानी है। यह बात है 1983 की, जब भारत लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाला था। उस समय विश्व क्रिकेट में भारत का उतना दबदबा नहीं था जितना आज है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी सालवे 1983 का विश्व कप फाइनल देखना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड बोर्ड ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इस अपमान पर उन्होंने फैसला किया कि वो क्रिकेट को इंग्लैंड से बाहर ले जाएंगे। भारत के विश्व कप जीतने के बाद उनकी ये इच्छा और प्रबल हो गई, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। सालवे ने सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नूर खान को अपने साथ मिलाया। उसके बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष गामिनी दिशानायके भी सालवे के साथ आ गए। 19 सितंबर 1983 को ICC के 3 परमानेंट मेंबर्स भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जो आगे चलकर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC बन गई। बांग्लादेश, मलेशिया और सिंगापुर को भी इसमें जोड़ा गया। ACC का बनना क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। अभी तक केवल ICC ही अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स का आयोजन करती थी, लेकिन अब ACC भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आयोजन करने लगी थी। साल 1984 में UAE में पहला एशिया कप खेला गया। एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जाता है, लेकिन इस साल इसे T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इससे पहले 2016 में भी एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला गया था। एक बात और, भारत ने सबसे ज़्यादा 7 बार एशिया कप को जीता है।